हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे अप्पे, और वो भी बिना अप्पे पैन के, इडली के कुकर में। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी सी शिमला मिर्च और रवा, थोड़ी सी दही, नमक और जीरा। आप जो है सब्जियाँ अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो पसंद आए आप वो डालिए। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक चाहिए बोल। उसके बाद इस बोल में हम डाल देंगे अपने रवा यानी कि सूजी को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही और फिर ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। उसके बाद थोड़ा सा नमक और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। कुछ इस तरीके से मिलाते हुए हमें अच्छे से इसको फेंट लेना है। देखिए, इस तरीके से होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर अच्छे से फेंट लेंगे। एक साथ पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेंटना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ हमें बना लेना है फेंट कर, और इसे हमें 25 से 30 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 30 मिनट और हमारी सूजी एकदम अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा और मिला लेंगे। इसको अच्छे से एक बैटर टाइप का बना लेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है आपको, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये कुछ इस तरीके का बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब चलिए इसमें हम डाल लेते हैं अपनी सब्जियाँ। सब्जियों में सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है कटी हुई शिमला मिर्च। ये रेड शिमला मिर्च है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद इसमें डाल लेने हैं हमें टमाटर बारीक कटे हुए। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ डालकर हम मिलाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। सब्जियों को भी एक साथ नहीं डालना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए कितनी कलरफुल लग रही हैं सब्जियां हमारी। अब इस तरीके से कुछ हम फेंट लेंगे इसको। चलिए, ये हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं इसके अप्पे। अप्पे बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कुकर और इडली स्टैंड। तो इस तरीके से इडली स्टैंड हमने ले लिया है और इसको ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। कुछ इस तरीके से लगाते हुए हमें सारे स्टैंड को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और अब हम इसके बनाएंगे अप्पे। इस तरीके से स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और हाथ से ही थोड़ा सेट कर लेंगे। और बाकी जो 3 बचे हुए स्टैंड हैं सब में हम इस तरीके से
बना कर रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सब में भर लिया है और अच्छे से अप्पे बना लिया है। अब यहाँ पे आप गैस ऑन करके आप कुकर को अपना हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें रख देंगे अपने अप्पे कुछ इस तरीके से। अगर आपके कुकर में स्पेस अच्छा है तो आप चारों प्लेट लगा दें, नहीं तो आप 3 प्लेट ही लगाएं। इस तरीके से लगाने के बाद आप ढक देंगे और फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। चलिए फिर से हम इसे रख देते हैं आंच पर। देखिए 10 मिनट बाद कुछ ऐसा बनकर तैयार हो गया है हमारा अप्पे। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा और ब्राउन कलर चाहिए, थोड़ी सी करारी चाहिए, तो आपको एक तरीका मैं और बताती हूँ। आप इसे तवे पर थोड़े से ऑयल के साथ सेक सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने एक एक अप्पे को शैलो फ्राई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा अच्छा स्वाद चाहिए और थोड़ा करारा चाहिए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमें अपने सारे अप्पे फ्राई कर लेना है। बस यहाँ पे देखिए अप्पे हमारे बनकर रेडी हैं और आप देखिए कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने घर में अप्पे ज़रूर बनाएं, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।